Subscribe and press the bell icon for latest update. जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ोसी देश की तरफ से लगातार की जा रही फायरिंग में बीते दिनों यूपी के चंदौली जिले के चंदन राय शहीद हो गए। इस बात की सूचना उनके घर वालों को फोन करके दी गई। जैसे ही शहीद चंदन के घर वालों ने यह खबर सुनी तो उनके घर में कोहराम मच गया। चंदन के पिता का कहना है कि उन्हें फोन करके बताया गया कि चंदन को चोट लगी है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। चंदन को चोट लगा है जी, हॉस्पिटल गए हैं। आंकली चोट कैसे लगा भैया? गिर गए, उनका हल्का फुल्का चोट होगा। फिर एक घंटा बाद बोले कि वो डेथ हो गए। तो क्या मांग है सरकार से, क्योंकि गृह मंत्री भी आप ही के जनपद के हैं, क्या मांग है सरकार से आपकी? भैया एक उनका प्रतिमा यहाँ बन जाए, याददाश्त रहे, और हमको बूढ़े आदमी का कोई सहारा, छोटे लड़के का नौकरी। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को चंदन की शादी होने वाली थी और 28 फरवरी को उनका तिलक था। जिस जवान के घर में कुछ दिनों के बाद शादी की शहनाई बजने वाली थी, आज उनके घर में मातम पसर गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।